मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.2 का क्वेश्चंस नंबर 12 टू 14 करेंगे और 1 टू 7 करेंगे डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज कर करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लिखिए, क्वेश्चंस नंबर कितना होगा 45 तक आपको बता दिए थे। 46 में लिखिए प्रूव दैट डिटर्मिनेंट है 1 x x square 1 x x square 1 इक्वल टू 1 - x³ का होल स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 तक हम लास्ट क्लास में बताए थे, 8 से स्टार्ट किए थे और 11 तक बताए थे। और ये क्वेश्चंस आपका आईएससी में 2017 में पूछा होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ रहता है तो सबसे पहला काम हम आपको क्या बताएं, उसको डेल्टा मान लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू, यही आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब मेरा ये रहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो ले आए, उस पर हम सोचते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर हम यहां पे C2 को चेंज करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम C2 को चेंज करते हैं वो क्या करेंगे, C2 - xC1। अब इससे फायदा क्या होगा, इसमें जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स यहां पर 1 जीरो आ जाएगा, और इसमें जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपका 0 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, C3 को चेंज कर देंगे। C3 को क्या करेंगे, C3 में से अब जैसे देखें यहां पर x स्क्वायर है, तो इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहां पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि C3 को हम चेंज करेंगे C3 - xC2, और x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो यहां पर भी 0 आ जाएगा, x माइनस x 0। समझ में आ रहा है सब लोग को? तो सबसे पहला स्टेप अब हम क्या करेंगे, ये सबको पता चल गया, मेरे को किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो लाना होता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें ताकि मेरा किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए। अब यहां पे हम क्या बोले कि C2 को हम चेंज कर रहे हैं, C2 को कैसे चेंज कर रहे हैं, C2 - xC1, और C3 को कैसे चेंज कर रहे हैं, C3 - xC2। तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, तो यहां पे C1 जो है वो जैसे वैसे 1 x² x, यहां पे क्या हो गया, x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां पे C2 को चेंज कर रहे हैं C2 - xC1, तो इसमें जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0। यहां पर x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो 1 - xQ। यहां पर क्या होगा, यहां पे आपका फिर x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x² यहां पे क्या आ गया, 0। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - x² यहां पर 0, इसमें आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - x यहां पर 0, और यहां पे क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - xQ। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी 2 जीरो आ गया, नहीं इधर 2 जीरो है, इधर 2 जीरो है, किस जिधर आपका 2 जीरो है जिस रो या कॉलम में उसके लोग एक्सपेंड कर देंगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। अब R1 का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, R1 का पहला एलिमेंट 1 है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए,
ये क्या हो गया, दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। अब दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 - x³ का होल स्क्वायर और -0। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 - x³ का होल स्क्वायर और -0, और 1 * कोई भी नंबर वही नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हम लिखेंगे 1 - x³ का होल स्क्वायर, और यही आपको देखिए प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चंस जो है ना 2017 में आईएससी में पूछा हुआ था, इसको कंप्लीट कीजिए सब लोग। यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 47। प्रूव दैट 1 + a² - b² 2ab और -2b, 2ab 1 - a² + b² 2a और 2b - 2a 1 - a² - b² इक्वल टू है 1 + a² + b² का होल क्यूब। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का 13 है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको हम लोग डेल्टा मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट डेल्टा इक्वल टू, यही आपका डिटरमिनेंट आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को ना थोड़ा सा देखिए, क्या देखना है हम लोग का, ये कोशिश होता है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में दो जीरो ले आए, और ये चीज आपको खुद डेवलप करना होगा, और ये तभी डेवलप होगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ऐसे आप देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा क्या दिमाग लगा रहे हैं कि देखिए, तो यहां पर 2ab है और यहां पे -b है। अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें और ये दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां पर देखिए b है और यहां पे 2ab है, तो अगर हम इसमें b से मल्टीप्लाई करके दिस माइनस दिस कर देंगे तो फिर यहां पर जीरो आ जाएगा। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड फिर क्या था कि यहां पर अगर हम c1 को चेंज कर देते और इसमें क्या करते, a से मल्टीप्लाई कर देते और इसमें b से मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देते तो यहां पर जीरो आ जाता। तो जो दिखता है ना उसको करके देखना है। सबसे पहला काम हम क्या बोले, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि c1 को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां पे 2ab है और यहां पे 2a है, तो इसमें हम क्या करते हैं b से मल्टीप्लाई करके और घटा देंगे तो 2ab - 2ab जीरो आ जाएगा। ठीक उसी तरह से c2 को हम चेंज कर देंगे, यहां पे 2ab है तो c2 और यहां पे माइनस है तब क्या हो जाएगा, प्लस, नहीं प्लस, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो यहां पे a से मल्टीप्लाई कर देंगे c3 में। समझ में आ रहा है सब लोग को। तो जो दिखता है ना उस पे पहले फोकस करना है। तो c1 को हम क्या करने जा रहे हैं, c1 माइनस क्या हो जाएगा bc3, c1 माइनस bc3, और c2 को हम चेंज करेंगे c2, आइए माइनस तो पहले से है तो माइनस, जब प्लस करेंगे तभी ना प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो यहां पे c2 को चेंज करेंगे c2 + ac3। अब देखिए जो मेरा डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, अगर डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती तो नहीं होगा ना, आप रफ में कर लो। रफ में क्या करेंगे, c1 है तो c1 मेरा क्या है, 1 + a² - b² आप घटा रहे हैं किसको, bc3, तो इसमें जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे, ठीक है, तो घटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसमें आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा।
अब देखिए तो 2b स्क्वायर है, उसमें से b स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, b स्क्वायर, यानी कि यहां पे आ गया 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। इसमें देखिए क्या होगा, 2ab, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, माइनस, इसमें b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2ab, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें देखिए आप 2b है तो यहां पे हम 2b लिख दिए, और आप इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं b से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस कर दिए 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, यहां पे हो जाएगा माइनस b, यहां पे हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b, और इधर हो जाएगा प्लस b क्यूब। अब देखिए तो 2b में से b चला गया तो बच गया b, तो b, फिर यहां पे क्या हो गया, a स्क्वायर b, और यहां पे b क्यूब। अगर हम b कॉमन ले लेंगे तो 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो जहां पे दिक्कत हो ना तो वहां पे रफ कर करके आप निकाल लीजिए कि क्या आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर, उसके नीचे क्या आ रहा है, 0, और उसके नीचे क्या आ रहा है, b into 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट हुआ, ठीक है, डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट हुआ, यहां पे क्या आया, बोलिए सब लोग, यहां पे क्या आया, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर, यहां पे क्या आया, 0 आया, और यहां पे क्या आया, b into 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। c2 को आप चेंज कर रहे हैं, अब फिर आप रफ में करके देखिए, c2 को आप चेंज किए हैं, c2 यानी कि 2ab, अब प्लस है ac3, तो इसमें a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहां पर देखिए 1 - a स्क्वायर + b स्क्वायर है, और आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, फिर 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक उसी तरह से इसमें देखिए यहां पे -2a है, और आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई करके, तो यहां पर a, और यहां पे 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसको जब आप करेंगे तो -2a, और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस a, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, -a क्यूब, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, -ab स्क्वायर। देखिए तो -2a है और यहां पे प्लस a है, तो -2a प्लस a जब करेंगे तो माइनस ए, और यहां पे माइनस ए क्यूब, और फिर यहां पे माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। माइनस a कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या जाएगा, 1, यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो फाइनली अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, 0 आया, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर आया, और सबसे नीचे आया माइनस a into 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो यहां पे सबसे पहले क्या आ गया था, 0, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आया, 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर, उसके बाद क्या आया, माइनस आप कॉमन लिए a into 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर। C3 को तो हम कोई चेंज नहीं किए, तो C3 जैसे था, -2b, 2a और 1 - a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब देखिए तो आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, यहां से आप C1 से, ठीक है, C1 से 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक उसी तरह से C2 से भी 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। बोलिए, यहां से C1 से 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, और C2 से भी 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर सब लोग नोट कर लिए हैं, तो क्या आ गया, यहां पे लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम तो घेर देते थे, लिख लीजिए, टेकिंग 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर कॉमन फ्रॉम बोथ c1 एंड c2।
आप एक लाइन इस तरह से लिख दीजिए, ऐसे जनरली हम क्या करते हैं, घेर देते हैं, तो वहां से पता चल जाता है कि हाँ यहां से ये निकाले हैं, ठीक है। टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम बोथ C1 एंड C2, C1 और C2 से जब हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाहर में क्या जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब जो डिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा है यहां पे क्या आ गया 1, तो यहां पे लिखेंगे 1, यहां पे 0 और यहां पे क्या आ गया b, इसमें देखिए 0 फिर 1 फिर यहां पे माइनस a, और C3 जैसे है वैसे यहां पे आ गया माइनस 2b 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैसे हुआ, सबको समझ में आया, ठीक है। यहां से हम क्या किए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिए C1 से और C2 से, तो ये बाहर निकल गया और होल स्क्वायर आ गया। नीचे सब लोग नोट कर लिए हैं, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R3 को चेंज करेंगे। अब बोलिएगा कि R3 को हम क्यों चेंज कर रहे हैं, तो देखिए यहां पे अगर हम R3 को चेंज कर दें, ठीक है, R3 को चेंज कर दें, यहां पर B है, ठीक है, यहां पे क्या है B है, तो R3 को अगर हम चेंज कर दें BR1, तो यहां पे R3 को चेंज कर दें R3 माइनस BR1, ठीक है, अब प्लस AR2, तो इससे देखिए फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा R3 को आप चेंज कर रहे हो, तो यहां पे B माइनस BR1, तो यहां पे माइनस B अब प्लस AR2, तो इसमें तो 0 आ गया, तो यहां पे कट करके क्या आ गया 0, तो ये तो 1 है 0 और यहां पर भी 0 आ गया। हमारा मकसद क्या था कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में दो जीरो ले आना। अब देखिए इधर देखिए R3 को हम चेंज कर रहे हैं ना, तो R3 मेरा क्या है माइनस ए अब माइनस बी R1, तो R1 तो यहां पे 0 आ गया, तो यहां पे 0 अब प्लस AR2, तो अब प्लस जब हम करेंगे तो यहां पर ए हो जाएगा, फिर ये ए कट करके 0 आ गया, यानी कि यहां पर 0 1 0। इसमें देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में और माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर और AR2 प्लस AR2, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला जाएगा, तो a स्क्वायर 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो b स्क्वायर, यानी कि यहां पे क्या आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कैसे हुआ, समझ में आया सब लोग को यहां तक, R3 को हम क्या किए चेंज कर दिए, कैसे चेंज किया R3 को, R3 माइनस BR1 प्लस AR2, ऐसा करने से मेरे पास किसी भी एक रो या एक कॉलम, मतलब यहां पे एक कॉलम में दो जीरो आ रहा है, समझ में आ रहा है सब लोग को। चलिए तो यहां पे अब जो डिटरमिनेंट होगा, ठीक है, कैसे चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज किए R3 माइनस BR1 प्लस AR2, तो डिटरमिनेंट जो मेरा होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आपका R1 और R2 जैसे वैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 0 माइनस 2b, यहाँ पे 0 1 2a और यहाँ पे फिर क्या आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 और यहाँ पे क्या आ गया था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन करके अभी हम दिखा भी दिए, ठीक है। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग आप एक्सपेंड करेंगे, उसके पहले देखिए तो इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप एक स्टेप तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी रो इधर कॉलम या रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके निकाल दीजिए, एक स्टेप और आगे चलिएगा तो यहां पर 1 हो जाएगा और यहां से डायरेक्ट होल क्यू और होल क्यू लाना भी है, तो ये आपकी मर्जी, ऊपर मिटा रहे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं कि R3 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉमन निकाल रहे हैं,
तो जब कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट होगा यहां पे क्या हो जाएगा, पहले से होल स्क्वायर था, अब क्या हो गया होल क्यू, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू, अब डिटरमिनेंट जो मेरा बना वो क्या हो गया 1 0 माइनस 2b, यहाँ पे 0 1 2a और यहाँ पे 0 0 और 1 आ गया। अब आपको इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, आप इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लॉन्ग जब आप एक्सपेंड करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू, सबसे पहला एलिमेंट R3 में क्या है 1 है, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या आ गया 1 माइनस 0, तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 0, तो यही तो आपको लाना था, फाइनल क्या आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यू, यही आपका प्रूव्ड हो गया। कंप्लीट कीजिए इसको, यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 लिखिए, डिटरमिनेंट है आपका प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए सी बी सी और सी स्क्वायर प्लस 1, आपको साबित करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया एनसीईआरटी का। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहला इस डिटरमिनेंट को हम डेल्टा मान लेंगे, नहीं इस डिटरमिनेंट को क्या करेंगे डेल्टा मान लेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस ना आ गया और हम करेंगे, इधर हम एनसीईआरटी पे आ गए और हम बोले थे कि थ्योरी बताते बताते एनसीईआरटी का हम सारा क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस का ना नेचर को पकड़िए, इस तरह का क्वेश्चंस आपको आगे मिलेगा, अभी और करवाएंगे, एनसीईआरटी तो आपका खत्म हो गया लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चंस अभी करवाएंगे। इसमें नेचर क्या है, नेचर ये है कि ये देखिए तो तिरछे तिरछे आपका सेम है, थोड़ा सा ना टेक्निक को समझना है, ऐसे ही करते जाइएगा तो नहीं मजा आएगा। यहां पे क्या है कि तिरछे तिरछे क्या है सेम है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चंस रहे तो आपको क्या करना है, R1 में A से मल्टीप्लाई कीजिए, R2 में B से मल्टीप्लाई कीजिए और R3 में C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और C1 से A कॉमन निकालिए, C2 से B कॉमन निकालिए और C3 से C कॉमन निकाल लीजिए। हम क्या बोले समझ, इसके आगे क्या होगा वो अभी आपको नहीं दिखेगा, हम पहले ही बताए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम में सबसे पहला ही स्टेप में किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चंस किए, एक रो या एक कॉलम में तो 2 जीरो नहीं आया, उसी तरह से यहां पर भी है। तो हम आपको नेचर में क्या बताए, क्या दिमाग में याद रखना है, याद ये रखना है कि आपका यहाँ पे तिरछे तिरछे क्या है सेम है, ए बी ए सी ए सी बी सी बी सी, तब क्या बताए R1 में आप A से मल्टीप्लाई कीजिए, R2 में B से मल्टीप्लाई कीजिए, R3 में C से मल्टीप्लाई कीजिए और C1 से A कॉमन निकालिए, C2 से B कॉमन निकालिए और C3 से C कॉमन निकालिए, याद रहेगा सब लोगों को। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, R1 को हम चेंज करने जा रहे हैं AR1, R2 को चेंज करने जा रहे हैं BR2 और R3 को चेंज करने जा रहे हैं CR3। तो R1 में अब आप क्या कर रहे हैं, R1 में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो डेल्टा मेरा डिटरमिनेंट फॉर्म होगा अब यहां पर क्या हो जाएगा, A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या आ गया ए स्क्वायर सी, यहाँ पे क्या आ गया बी से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ पे क्या आ गया ए बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर सी, इसमें आप सी से मल्टीप्लाई किए हैं तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर और यहाँ पे सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस सी स्क्वायर, जैसे भी आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए रूल क्या था कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो को आप चेंज करते हैं
उसी रो में या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। आप R1 को चेंज कर रहे हो और R1 में A से मल्टीप्लाई किए हैं तो A से डिवाइड करना पड़ेगा। R2 को चेंज किए हैं और R2 में B से मल्टीप्लाई किए तो B से डिवाइड करना पड़ेगा। और R3 में C से मल्टीप्लाई, R3 को ही चेंज कर रहे हैं और R3 में C से मल्टीप्लाई किए हैं तो C से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर A B C से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हम आपको क्या बताएं, C1 से A कॉमन निकालेंगे, C2 से B कॉमन निकालेंगे और C3 से C कॉमन निकालेंगे। तो लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि टेकिंग A कॉमा B कॉमा C कॉमन फ्रॉम C1 कॉमा C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। Taking A comma B comma C common from C1 comma C2 and C3 respectively। तो जब आप C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन निकालेंगे तो कहां जाता है, डिटरमिनेंट के बाहर। तो डिटरमिनेंट के बाहर क्या आ जाएगा, ABC upon ABC। यहां पे क्या हो जाएगा, ABC upon ABC। अब जो मेरा डिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, देखिए तो इधर से हम कॉमन निकाल रहे हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर। यहां पे क्या गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां पर देखिए b कॉमन आप निकाले हो तो a स्क्वायर, तो यहां पे लिख दिए a स्क्वायर। यहां पे क्या गया 1 प्लस b स्क्वायर और यहां पे क्या गया c स्क्वायर। यहां पे क्या है, C कॉमन निकाले तो यहां पे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर। यहां तक नोट कीजिए। यहां तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब एबीसी एबीसी कैंसिल हो जाएगा, एबीसी एबीसी कैंसिल हो गया। इधर सब लोग नोट कर लिए, ठीक है, इधर हम पूरा डिलीट करेंगे। नोट कर लिए सब लोग। अब देखिए यहां पे, अब आपको खुद दिख रहा होगा, अब आपको दिखना चाहिए कि इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। देखिए यहां पर दोनों सेम है जबकि यहां पे डिफरेंट है, सबको दिख गया। R1 को अगर हम चेंज कर दें R1 plus R2 plus R3 तो देखिए तो 1 plus A square plus B square plus C square हो जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 plus A square plus B square plus C square। यहां पे क्या आ जाएगा 1 plus A square plus B square plus C square। समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगला जो स्टेप है वो हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 plus R2 plus R3। क्यों ऐसा कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा कि R1 में हर एक 1 plus A square plus B square plus C square हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे 1 1 1 आ जाएगा। और जब 1 1 आ जाता है तो क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, जो डिटरमिनेंट आपका बन रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। R2 जैसे वैसे लिख देंगे बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे बाहर, नहीं इसको हम क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे। देखिए जब कॉमन आप निकालिएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 plus a square plus b square plus c square। अब जो नया डिटरमिनेंट है 1 1 1 b square 1 plus b square c square 1 plus c square। यहां तक कंप्लीट कीजिए।
इसके बाद तो आसान हो जाता है ना, 111 अगर किसी एक रो या एक कॉलम में आ जाता है तब तो दो जीरो लाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, C1 को हम चेंज कर देंगे C1-C2 और C2 को चेंज कर देंगे C2-C3। खुद से कीजिए, देखिए होता है कि नहीं। इसके बाद का स्टेप में क्या करेंगे, C1 को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहां पे आ गया 1+AS, C1 को चेंज करने जा रहे हैं C1-C2 और C2 को चेंज करेंगे C2-C3, ठीक है। अब देखिए जो डिटरमिनेंट आपका आएगा 1+A²+B²+C², और यहां पे क्या गया 0, यहां पे क्या गया, देखिए तो दिस माइनस दिस कीजिएगा तो B², B² कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1। यहां पे दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, यहां पर देखिए 1-1 करेंगे तो 0। अब यहां पे 1+B²-B² कीजिएगा तो B², B² क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया 1। यहां पे इसको माइनस जब करेंगे तो C², C² तो कट जाएगा बट यहां पे आएगा -1, और ये जैसे वैसे 1B² और 1+C², तो इधर भी आपका 2 जीरो आ गया है, इधर भी आपका 2 जीरो आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे, तो इसी के अलोंग एक्सपैंड कर देते, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसके अलोंग जब हम एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1+A²+B²+C² और यहाँ पे आ गया 1। 1 के पहले प्लस या माइनस, तब प्लस माइनस प्लस तब प्लस 1। फिर क्या करते थे, 1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, क्या आ गया 1-0, 1-0। तो फाइनल क्या आ गया 1+A²+B²+C², ठीक है। 1+A²+B²+C², यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका प्रूफ्ड हो गया। कंप्लीट कीजिए, ये सब क्वेश्चंस को ना एक बार फिर से घर पे जाके आप खुद से कीजिए, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, शाम में इसको है सो फिर से आप कीजिए और देखिए आपसे होता है कि नहीं, वो स्टेप आपको याद रहता है कि नहीं। हम आपको क्या बताएं कि इस तरह का कभी भी नेचर हो कि तिरछे तिरछे आपका सेम होता है, तो R1 को चेंज करते हैं AR1, R2 को चेंज करते हैं BR2 और R3 को चेंज करते हैं CR3, और उसके बाद C1 से A निकाल कॉमन लेंगे, C2 से B और C3 से C कॉमन निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बट ये एग्जांपल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। लिखिए प्रूव दैट डिटरमिनेंट आपका है a a+b a+b+c 2a 3a+2b 4a+3b+2c 3a 6a+3b 10a+6b+3c इक्वल टू a क्यों, ये आपको प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चंस जो है ना आईएसी में 2 टाइम्स पूछा है, 2016 और 2019, ये दो दो बार ये क्वेश्चंस है सो आपको पूछ चुका है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि जो डिटरमिनेंट दिया हुआ रहता है उसको हम लोग डेल्टा मान लेते हैं। ऐसे देखिएगा ना तो लगेगा कितना लंबा चौड़ा डिटरमिनेंट है, लेकिन हम लोग का कंसेप्ट क्या है, हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं ना कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो आ जाए, उसी पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो अब यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को हम देखेंगे कि 2 जीरो मेरा कैसे आएगा। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर ए है, ठीक है, यहाँ पर ए है और यहाँ पे 2a है और यहाँ पे 3a है।
अगर हम R2 को चेंज कर लें, ध्यान दीजिएगा, R2 को अगर हम चेंज कर देते हैं, R2 माइनस 2R1, तो 2A 2A कैंसल होकर के जीरो आ जाएगा। तो बोलिएगा कि ठीक उसी तरह से सर R3 को भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अगर आप ऐसा सोचे तो आप सही सोच रहे हैं। R3 को हम क्या करेंगे, R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस 3R1, तो 3A माइनस 3A कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा। इधर क्या आएगा वो तो बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में दो जीरो ले आए। तो यहाँ पे बहुत आसानी से दो जीरो आ गया। R2 को हम चेंज कर दिए R2 माइनस 2R1, और R3 को चेंज कर दिए R3 माइनस 3R1, तो यहाँ पर भी जीरो आ गया, यहाँ पर भी जीरो आ गया। बोलिए अब आगे करके देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2R1, और R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस 3R1। तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, तो R1 तो आप चेंज कर नहीं रहे, तो R1 मेरा A, A प्लस B और A प्लस B प्लस C, यहाँ पे क्या आ गया जीरो। अब इसके बाद देखिए जहाँ पे दिक्कत थोड़ा सा भी लगे ना तो आप कैलकुलेशन जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपका क्या है 3A प्लस 2B, नहीं अब माइनस क्या करेंगे 2A माइनस 2B, 2B 2B कैंसिल, 3A में से 2A चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया A आ गया। ठीक उसी तरह से आपका है 4A प्लस 3B प्लस 2C, और इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2A माइनस 2B माइनस 2C, 2C 2C कैंसिल हो गया, 4A में से 2A चला गया तो 2A, 3B में से 2B चला गया तो B, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस B। उसी तरह से R3 को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3A और माइनस 3A, तो यहाँ पर तो आपका जीरो आ गया। समझ में आ रहा है सब लोग को, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो 6A और प्लस 3B, 6A प्लस 3B और माइनस 3A और माइनस 3B, 3 से आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा 3B 3B कैंसिल हो गया, अब यहाँ 6A में से 3A चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया 3A। कैलकुलेशन कर करके आपको खुद चेक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है 10A अब प्लस 6B प्लस 3C, और इसमें आप कितना से मल्टीप्लाई किए 3 से, तो यहाँ पे माइनस 3A माइनस 3B माइनस 3C, 3C 3C कैंसिल हो गया, पहले 10A में से 3A चला जाएगा तो 7A, और यहाँ पे 6B से 3B चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया 3B, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 7A प्लस 3B। बोलिए कोई दिक्कत है, तो समझ में आ रहा है, जहां पे आपको दिक्कत है ना वहां पे कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या आया था A, यहाँ पे क्या आया था 2A प्लस B, यहाँ पे क्या आया जीरो, यहाँ पे क्या आया 3A, यहाँ पे क्या आ गया 7A प्लस 3B। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, दो जीरो तो मेरा आ गया है, दो जीरो मेरा आ गया, लेकिन अगर यही काम जो काम अभी किए, यहाँ पर 3A है और यहाँ पर A है, अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3A माइनस 3A फिर कैंसिल होकर के जीरो आ जाएगा एक, यानी कि अगला जो स्टेप है हम क्या करेंगे R3 को फिर चेंज करेंगे R3 माइनस 3R2, R3 माइनस 3R2। अब R3 को आप चेंज कर रहे हो तो R1 और R2 जैसे है वैसे रह गया, तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट बना R1 मेरा क्या है A, A प्लस B, A प्लस B प्लस C, यहाँ पर 0 A 2A प्लस B, R3 को आप चेंज कर रहे हो तो R3 यानी कि 0 और माइनस 0 जब करेंगे तो यहाँ पर तो 0 ही हो गया। उसके बाद फिर देखिए 3A में से 3A घटाएंगे तो यहाँ पर फिर 0 आ गया, अब यहां पे आ गया 7A। देखिए यहां पे 7A है
3b, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 3 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6a, अब प्लस माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस आपका यहाँ पे 3b। अब 7a में से 6a चला गया, तो a और प्लस माइनस 3b कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आपका है सो फिर a, क्या आ गया, a आ गया। अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, इधर से आप करना इधर से कर लो, इधर से करना इधर से कर लो, नहीं C1 में भी आपका 2 जीरो है और R3 में भी 2 जीरो है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। अब C1 के अलोंग जब एक्सपेंड कीजिएगा तो C1 में सबसे पहला एलिमेंट क्या है, A, तो यहां पर हम लिखेंगे A, नहीं अब A क्या करते हैं, जिस रो और जिस कॉलम में होता है ढक देते हैं, क्या दिख रहा है, दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब इसको दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए सब लोग जानते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ, इसको करेंगे तो a इनटू a क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस जीरो, और a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर a क्यूब हो जाएगा, यही तो आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चंस 2 बार IAC में पूछा है, ध्यान में यही रखना है ना, निचोड़ यही निकल करके आ रहा है कि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो हम कैसे ले आए, ठीक है, 2 जीरो है सो हम लोग कैसे ले आए। तो इधर वाला क्वेश्चन सारा खत्म हो गया, अब हम लोग 1 से आते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का NCERT का क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 1 से 7 तक में बहुत आसान है, 2-2 मिनट लगता है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच लेते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन फिर हम आगे और बताएंगे। एक तीसरा तरह का क्वेश्चंस क्या रहता है कि सो विदाउट एक्सपेंडिंग दैट डिटरमिनेंट है एक्स ए एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्सपेंडिंग का क्या मतलब, अभी तक हम लोग जितना भी डिटरमिनेंट बना रहे थे तो उसमें किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते थे, इसमें किसी रो या कॉलम के अलोंग बिना एक्सपेंड किए हुए आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 लाना है। तो जनरली विदाउट एक्सपेंडिंग जो रहेगा ना तो उसमें 0 ही रहेगा, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी जब हम लोग यूज करेंगे और बिना एक्सपेंड किए हुए निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल ले आएंगे तब 0 हो जाएगा, या डिटरमिनेंट का कोई 1 रो या 1 कॉलम का सारा एलिमेंट 0 आ जाए तब उसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमको बनाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट दिया हुआ रहता है उसको हम लोग डेल्टा मान लेते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू यही आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब इस डिटरमिनेंट को हम क्या कर सकते हैं, हमको लाना है मेरे को 0, तो देखिए तो यहां पे अगर हम C1 और C2 को जोड़ दें तो देखिए तो x प्लस है यहां भी x प्लस है, यहां पे y प्लस बी यहां भी y प्लस बी, यहां पे z प्लस सी यहां भी z प्लस सी, तो C1 और C3 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल होगा, तो इसका वैल्यू 0 बन गया। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर हम है ना C2 को चेंज करेंगे, तो C2 को चेंज कीजिएगा तो C2 प्लस C1 कर दीजिए, तो बात तो फिर वही आ गया ना, A प्लस X B प्लस Y C प्लस Z दोनों आइडेंटिकल, कौन कौन C2 और C3 आइडेंटिकल, तब भी 0। इसी को आप दूसरे मेथड से बना सकते हैं, दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे, दूसरे मेथड से हम लोग क्या बनाएंगे, बीच में प्लस है तो आपको बताया थे प्रॉपर्टी में कि इसको 2 डिटरमिनेंट में आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो 2 डिटरमिनेंट में एक्सपेंड करेंगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एक डिटरमिनेंट बनेगा, तो देखिए तो xyz आइडेंटिकल आ गया 0 हो गया, और इसका इसका इसके साथ एक डिटरमिनेंट बनेगा तो इसमें एबीसी और एबीसी आइडेंटिकल आ गया 0 आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपका दिमाग एट ए टाइम किस तरह से सोचता है, और प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तब तो आपसे हो जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
C1 को चेंज करते हैं C1 प्लस C2। अब C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C2, तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा C1 में, X प्लस A, Y प्लस B, Z प्लस C। यहाँ पे क्या होगा A, B, C, यहाँ पे क्या होगा X प्लस A, Y प्लस B और Z प्लस C। तो हम क्या कहेंगे कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0। क्यों 0 आ गया, यही आपको प्रूफ करना था। तो क्यों 0 आया, तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे हम लोग कि C1 और C3 है सो क्या है, आइडेंटिकल है। तो हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। समझ में आ गया बात, तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसी का सेकेंड मेथड देखेंगे। यहां तक कंप्लीट हो गया सब लोग का? सेकेंड मेथड अगर हमको करना होता, यानी कि बीच में प्लस है तो दो डिटरमिनेंट में अगर हमको तोड़ना होता तो हम कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने के लिए हम आपको बताए हैं सेकेंड मेथड। देखिए सबसे पहला काम तो वही करेंगे, लेट डेल्टा इक्वल टू ये डिटरमिनेंट हम मान लिए। अब यहां से देखिए इसको और इसके साथ एक हम लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहां पे डेल्टा मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट होगा यहां पे एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर क्या होगा एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहां पे आ जाएगा फिर ए बी सी। यहां पे क्या हुआ, इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू 0 और इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू 0, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब सवाल है कि यही प्रूफ करना था, ये 0 क्यों हुआ, तो C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो यहां पे नीचे एक लाइन लिख लिए कि हियर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। यहां पर क्या है, C2 और C3 आइडेंटिकल है, तो यहां भी नीचे में एक लाइन लिख लिए कि हियर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ताकि बाद में जब आप पढ़े तो आपको पता चलना चाहिए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 क्यों हुआ। तो नीचे लिखा हुआ है तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि अच्छा किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए, हो गया सभी लोगों का। 51 देखते हैं। सो विदाउट एक्सपेंडिंग दैट, अब ये मेरा डिटरमिनेंट है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है और ये क्वेश्चन ISE में 2008 में पूछा हुआ है, लेकिन वही 1 मार्क का, हाँ 1 मार्क में पूछा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहला काम डेल्टा इक्वल टू ये डिटरमिनेंट हम मान लिए। देखिए क्वेश्चन देख करके ना डरिएगा नहीं, थोड़ा सा देखिए, देखिए तो अगर हम कैसे सोचते हैं, या तो R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, या C1 को चेंज करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो एक थोड़ा सा कुछ मिलेगा, देखते हैं। देखिए तो C1 को अगर चेंज कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3, तो A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, देखिए तो A A कट गया, B B C C कट के 0 आ गया। उसी तरह से यहां पर भी तो है प्लस B माइनस B, माइनस C प्लस C, माइनस A प्लस A 0, यहां भी 0 आ गया। ये हम क्या किए, C1 को चेंज किए C1 प्लस C2 प्लस C3, R1 को भी आप चेक कर लीजिए, R1 को जब चेंज कीजिए, देख मतलब चेंज कीजिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए यहां पे क्या होगा प्लस A माइनस A, माइनस B प्लस B, माइनस C प्लस C, 0 आ जा रहा है। यहां पर देखिए माइनस प्लस B माइनस B, माइनस C प्लस C, माइनस A प्लस A, 0। यहां पर देखिए माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी, प्लस सी माइनस ए, 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो दिल करे वो कर लीजिए। R1 को चेंज करना है R1 प्लस R2 प्लस R3,
या C1 को चेंज करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, आप दोनों में से कोई भी स्टेप ले सकते हैं। दोनों में सेम आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, और इसका वैल्यू क्या है, 0। आपको क्या बताए थे कि डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, C1 को चेंज करने जा रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। आपको लगता है कि नहीं सर हम R1 को चेंज करेंगे, कर लीजिए ना, बता तो दिए, R1 को चेंज कीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, बात तो एक ही पड़ेगा। तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट है वो क्या हो गया, 0 0 0। यहाँ पे b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, और इस डिटरमिनेंट का सारा मतलब C1 का सारा एलिमेंट है सो 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू है सो 0 है। यही आपको प्रूफ करना था। आप प्रॉपर्टी सब लोग जानते हैं, लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि क्यों 0 हुआ, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है। नीचे एक लाइन लिख लीजिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 0, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम आर 0। पहला कॉलम का सारा एलिमेंट है सो आपका 0 है, इसीलिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ये नोट करके भी हम लिखाए थे और प्रॉपर्टी में भी हम लिखाए थे, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 हो गया सब लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। कह रहा है कि सो विदाउट एक्सपेंडिंग दैट, अब इस तरह का 2765 3875 5986 = 0, हम क्या बोले, विदाउट एक्सपेंडिंग जो रहेगा ना सब में 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं है तो एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, एक क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन भी हम आगे और करवाएंगे, ठीक है, आईएससी में भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा, आगे हम करवाएंगे इसी टाइप का। अब इस तरह का कभी भी इंटीजर वाला क्वेश्चंस रहेगा ना, तो आपका क्या होगा ना कि दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा, ये पहले दिमाग में डाल दीजिए कि 0 लाना है तो 0 कब होता है, या तो डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो का सारा एलिमेंट या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तब 0 हो जाएगा, या कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तब 0 हो जाए। अब इसमें कैसे दिमाग लगाइएगा, तो दिमाग ये लगाना है कि या तो ये सबका दो फैक्टर, मतलब दो इसका फैक्टर हो जाए, 3 या 5 या 7 8 9 इसका फैक्टर हो जाए। अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट फैक्टर का मतलब क्या हुआ, डिविजिबल, और अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो थोड़ा सा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आगे पीछे थोड़ा देखिए, अब देखिए तो थोड़ा सा डायरेक्ट तो फैक्टर नहीं दिया हुआ है, 7 से तो ये डिविजिबल नहीं है, 8 से ये डिविजिबल नहीं है, 9 से ये डिविजिबल नहीं है, बट जैसे ही आप 65 में ये दो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा 63, 75 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 72, 86 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आ जाएगा 81। अब देखिए 9 9 81, 9 7 63, 8 9 72, समझ में आ गया पर? इसका मतलब क्या हुआ कि 9 है सो बाहर हम कर देंगे तो C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया, प्रूफ हो गया। कैसे सोचे ये समझ में आया, तो ये चीज आपको करना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आगे फिर हम करेंगे, याद रखिएगा हम क्या स्टेप बताएं। तो सबसे पहला काम, इसको हम लोग डेल्टा मान लेते हैं, तो सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू ये डिटरमिनेंट हो गया, डायरेक्ट है सो कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, ना 7 इसका फैक्टर आ रहा है ना 2 इसका फैक्टर आ रहा है, तब हम क्या बोले कि या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए फैक्टर आता है, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, करने पे वो आ जाएगा। तो हम क्या देखें कि अगर हम 65 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 63 आता है, 75 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 72 आता है, 86 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है 81, जो कि 9 सबका फैक्टर है, 9 जब कॉमन लेंगे तो 7 8 9 आ जाएगा, आइडेंटिकल हो गया। तो हमको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे C3 को चेंज करना है, C3 माइनस C1
C3 को चेंज करना है, C3 माइनस C1, तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट आया, डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट है वो क्या है, C3 को चेंज करें, C1 और C2 तो एज यूजुअल है, तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8, 9, और यहाँ पे क्या आ गया 63, यहाँ पे क्या आ गया 72, यहाँ पे क्या आ गया 81, और इसमें क्या कॉमन है 9, तो हम क्या करेंगे 9 है सो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो लिखना है तो आप लिख लीजिए, घेरना है तो घेर दीजिए, जैसे दिल करे, हम दोनों तरीका से बता दिए, लिखना है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3, अब C3 से हम 9 कॉमन ले लिए तो डिटरमिनेंट के बाहर लिखेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और डिटरमिनेंट मेरा क्या हो गया 2, 3, 5, 7, 8, 9 और यहां पर क्या हो गया 7, 8, 9 और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0, तो 9 × 0 क्या आ गया 0, तो हम कहीं एक्सपेंड किए क्या, नहीं किए, तो वही चीज तो कर रहा था बिना एक्सपेंड किए, ऐसा नहीं कि किसी भी रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड करके निकाला, नहीं, बिना एक्सपेंड किए हम प्रॉपर्टी यूज कर करके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ला दिए, यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे लिखना है तो एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि C2 और C3 है सो क्या है आइडेंटिकल है, हेयर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेयर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, इसको कंप्लीट कीजिए, यहां तक सब लोग कर लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में लिखिए, सो विदाउट एक्सपेंडिंग दैट डिटरमिनेंट है 1BCA × B+C, 1CA(B×C+A), 1AB(C×A+B) = 0, ये NCERT का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको हम लोग डेल्टा मान लेते हैं, तो लेट डेल्टा इक्वल टू ये आपका डिटरमिनेंट हो गया, हमको बिना एक्सपेंड किए हुए 0 लाना है, इसका मतलब क्या बताया था आपको, आपको बता रहे हैं कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को आप आइडेंटिकल कर दीजिए, तो ये कॉमन सेंस देखिए अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AB + AC और इसको अगर हम ऐड कर दें तो BC हो जाएगा, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो BC + AB और प्लस फिर क्या हो गया AC, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो AC + BC और इसको ऐड कर देंगे तो AB, देखिए तो सब में AB + BC + AC, AB + BC + AC, AB + BC + AC सब में है, इसका मतलब ये हुआ कि C2 को अगर हम चेंज कर दें C2 + C3 तो यहाँ पर AB + BC + AC आ जाएगा और उसको कॉमन ले लेंगे तो 1, 1, 1, C1 और C2 आइडेंटिकल 0 आ गया, कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हम ऐसा कर सकते हैं C3 को हम चेंज करना चाहते हैं, आप कर दो ना, क्या दिक्कत है, C3 को आप चेंज कर दो C3 + C2, बात तो वही होगा, यहां पर जो AB + BC + AC आ रहा था अब यहां पर आ जाएगा AB + BC + AC, यहां से कॉमन ले लेंगे, फिर यहां पर 1, 1 आ जाएगा और C1 C3 आइडेंटिकल होगा, बात एक ही है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो खुद ब खुद आपका दिमाग जो है ना सोचने लगेगा कि इसको क्या क्या किया जा सकता है, तो चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं C2 को चेंज करने जा रहे हैं C2 + C3, आपको इच्छा करता है कि C3 को चेंज करें C3 को कर दीजिए C3 + C2, बात एक ही पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट डेल्टा जो वैल्यू होगा डेल्टा जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, आप किसको चेंज कर रहे हैं C2 को, तो ये तो 1, 1, 1 जैसे वैसे रह गया, यहाँ पे क्या गया AB + BC + CA, यहाँ पर भी क्या गया AB + BC + CA, यहाँ पर क्या गया AB + BC + CA, समझ में आ रहा है,
और C3 जैसे वैसे A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस A और C इंटू A प्लस B। C2 से अब हम क्या करेंगे, C2 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लेंगे। तो जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहां पे आपको लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है। क्या लिखेंगे कि टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन इन C2 या फ्रॉम C2 आप C2 से कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस CA। अब जो मेरा डिटरमिनेंट है नहीं, वो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 1 1, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 1 1 नहीं 1 1 1, यहां पे क्या गया 1 1 1, तो यहां पर भी हो जाएगा 1 1 1, यहां पे क्या हो जाएगा A into B plus C, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा B into C plus A और यहां पे क्या हो जाएगा C into A plus B। बोले यहां तक में कोई दिक्कत? अब क्या हो गया, ये और ये आइडेंटिकल हो गया, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस CA इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू कोई भी नंबर 0, यही प्रूव करना था। और नीचे एक लाइन अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि C1 और C2 है सो क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। बोलिए कोई दिक्कत? तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो खुद ब खुद होने लगेगा कि हम कैसे क्या करें ताकि ये आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54, सब लोग कंप्लीट कर लिए यहां तक? क्वेश्चन नंबर 54 लिखिए, सो विदाउट एक्सपेंडिंग दैट डिटरमिनेंट है B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X और A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y इक्वल टू, प्रूफ करना है 2 टाइम्स ये डिटरमिनेंट A, B, C, P, Q और X, Y, Z। देखिए इसी डिटरमिनेंट को, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी डिटरमिनेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या रहेगा, B प्लस C और ये यहां पे रहेगा Q प्लस R, Y प्लस Z, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा C प्लस A, R प्लस P और C, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम में आ जाएगा और Z प्लस X और यहां पे फिर क्या हो जाएगा A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y और ये CBSE में 3 टाइम्स पूछा है। तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? आप जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट का रो को कोरस्पोंडिंग कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू वही रहता है। तो एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था, पहला रो को पहला कॉलम में कर दिया, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में करके लिख दिया और बोला कि इसको प्रूफ कीजिए, एक ही होगा, ठीक है। अब कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डेल्टा मान लेते हैं कि लेट डेल्टा इक्वल टू, यही आपका डिटरमिनेंट है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए क्या करना है। देखिए तो R1 को अगर हम चेंज करें, अगर ये रो जो है कॉलम वाइज रहता तो C1 को चेंज करते। अब यहां पे ABC के टर्म में R1 को चेंज कर दें, अगर R1, ठीक है, R1 को अगर देखिए तो ध्यान दीजिए, हम करने क्या जा रहे हैं, R1 को चेंज करने जा रहे हैं R1, ठीक है, अब प्लस R2 अब माइनस R3। बोलिएगा इससे फायदा क्या हुआ और आप कैसे सोच लिए, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 times A, 2 times B और 2 times C, यहां भी 2P, 2Q और 2R, यहां भी
अगर हम प्लस कर देते हैं तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, 2 तो लाना ही है। नहीं समझ में आया? हम अगर R1 को एक स्टेप ऐसे भी कर सकते थे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 चेंज कर दिए, तो यहां पे क्या आ जाता, 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे क्या जाता, 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R, यहां पे क्या जाता, 2 टाइम्स Y प्लस X प्लस Y, X प्लस Y प्लस Z ऐसा जाता, बाकी नीचे में है जैसे है वैसे रह गया, 2 हम यहां से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद देखिए तो क्या करेंगे, R1 को फिर चेंज कर देंगे R1 माइनस R2 या R2 या R3 कर देंगे, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, जैसे अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AC AC कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा B, क्योंकि हमको सब एक एक टर्म में लाना है, समझ में आ रहा बात? तो फिर हम वही बात रिपीट कर रहे हैं कि ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना सोच पाता है। ऐसा नहीं कि हम बता दिए कि R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 माइनस R3 तो वही रह जाएगा, नहीं, अब एक ही क्वेश्चन को हम कितना तरीका से बता सकते हैं, तो हम एक इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं, आप घर पे जाकर के जरूर कीजिए। अब यहां पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि R1 को अगर चेंज कर दे रहे R1 प्लस R2 माइनस R3, तो 2 को जोड़ेंगे और 1 को घटा देंगे, तो मेरे पास यहां पे आएगा क्या, देखिए मेरे पास यहां पे आ रहा है B प्लस C प्लस C प्लस A माइनस B, तो एक A तो कैंसल और एक BB कैंसल, तो बचा क्या CC। यहां पर भी देखिए Q प्लस R प्लस R प्लस P माइनस Q, तो माइनस P माइनस Q कट कैंसिल होकर के क्या बच जाएगा 2R, क्योंकि हमको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट आ गया, यहां पे क्या आ गया बताइए, अभी क्या निकाले थे, इसको इसको जब हम ऐड किए और इसको जब सब्ट्रैक्ट किए, तो AA तो कैंसिल BB कैंसिल, तो यहां पे क्या आया था 2C, यहां पर क्या हो गया, ये दोनों को जब ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PQ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2R, यहां पर XY कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2Z, और R2 और R3 को जैसे वैसे लिख देंगे C plus A R plus P Z plus X A plus B P plus Q X plus Y। अब यहां से हम क्या करेंगे 2 बाहर निकाल देंगे, तो अगला जो हम लोग डिटरमिनेंट बनाएंगे वो 2 बाहर निकाल दिए, तो नया जो मेरा डिटरमिनेंट बना C R Z, यहां पे C plus A R plus P Z plus X और यहां पे A plus B P plus Q और X plus Y। अब आप समझ रहे होंगे अब हम क्या करेंगे, हमको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तब R2 को चेंज कर देंगे R2 minus R1 नहीं, तो यहां से फिर CC कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर A आ जाएगा, यहां से RR कैंसिल हो जाएगा तो P बचेगा, और यहां से ZZ कैंसिल हो जाएगा तो X हो जाएगा। उसी तरह से फिर इसमें भी तो कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे R3 को अगला स्टेप में R3 को हम चेंज करेंगे, पहले इतना करते हैं, ठीक है, हम क्या किए R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1, ठीक है, R2 को हम क्या चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो यहां पर देखिए 2 टाइम्स जो डिटरमिनेंट बन R1 जैसे C R Z, यहां पर देखिए C C कैंसिल हुआ तो A R R कैंसिल हो गया तो P और Z Z कैंसिल हो गया तो X, और ये क्या है A plus B P plus Q और X plus Y। अब इसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो A A कैंसिल हो जाएगा तो B आ जाएगा, यहां पे P P कैंसिल हो जाएगा Q आ जाएगा, यहां से X X कैंसिल हो जाएगा तो Y आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में R3 को हम चेंज करेंगे R3 minus R2, सबको समझ में आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे R3 को चेंज करेंगे R3 minus R2, यहां तक कंप्लीट किए सब लोग, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे जो डिटरमिनेंट है ये तो R2 को R3 को हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2,
तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट है क्या हो जाएगा, टू। अब यहां पे देखिए R1 जैसे है C R Z, उसके बाद क्या है A P X, उसके बाद क्या है यहां पे देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा B, यहां पे आ जाएगा Q, यहां पे आएगा Y, B P Q और Y, B Q Y। अब थोड़ा एक नजर डालिए, लाना है A यहां पर और A यहां पर है, तो हम क्या करेंगे R1 को चेंज कर देंगे, नहीं हम क्या करेंगे R1, R1 को हम चेंज कर, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो A यहां आ जाएगा C यहां आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट के किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करते हैं तो क्या बताए थे, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करता है बट साइन चेंज कर जाता है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा बट साइन चेंज करेगा, तो बाहर क्या हो जाएगा माइनस साइन, याद है ना प्रॉपर्टी। तब यहां पर अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज करने जा रहे हैं, तो यहां पे डबल हेडेड एरो दिया, इसका मतलब R1 के प्लेस पे R2 लिखेंगे और R2 के प्लेस पे R1 लिखेंगे, तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट हुआ, यहां पे माइनस साइन क्यों दिए पता चला, किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो और दो कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है बट साइन चेंज हो जाता है, तो इसीलिए यहां पे माइनस साइन हो गया। अब देखिए डिटरमिनेंट मेरा क्या हो गया, यहां पर ए पी एक्स C R Z B Q Y, अभी भी देखिए आ नहीं रहा है, देखिए तो A के बाद B है और यहां पर A के बाद C है, कॉमन सेंस लगा दीजिए। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे, नहीं R2 और R3 को क्या करेंगे इंटरचेंज कर देंगे, समझ में आ रहा है सब लोग को, तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं, R2 और R3 को जब हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस साइन लगेगा, तो माइनस माइनस अब क्या हो गया प्लस, और यहां पे क्या हो गया A P X, यहां पे आ गया B Q Y और यहां पे C R Z, यही आपको लाना होगा, देख लीजिए यही आपका प्रूव्ड हो गया। और एक दूसरा जो मेथड हम बताए, दूसरा मेथड में हम क्या बताया, आप उस तरह से भी कर सकते थे कि R1 को चेंज कर देते R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C, 2 टाइम्स P प्लस Q प्लस R, 2 टाइम्स SO X प्लस Y प्लस Z आ जाता, 2 को बाहर कर देते, अब फिर R2 को सब्ट्रैक्ट कर देते, R1 को चेंज कर देते, R1 माइनस R2, समझ में आ रहा बात, तो आपको मेन है ना सिंगल में कन्वर्ट करना होता है क्योंकि यहां पर एक एक एलिमेंट था, दो दो एलिमेंट का सम नहीं था, तो मेथड बहुत सारा होता है, डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसे सोचता है। हो गया सब लोग का, चलिए दो क्वेश्चंस और है उसको करके आज हम लोग खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आगे बढ़े, सब लोग का हो गया, क्वेश्चन नंबर 55 लिखिए, सो विदाउट एक्सपेंडिंग दैट, सो विदाउट एक्सपेंडिंग दैट, डिटरमिनेंट है जीरो सी बी माइनस सी जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया एक्सरसाइज 4.2 का। क्या करेंगे, सबसे पहला जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसको हम लोग डेल्टा मानेंगे, तो लेट डेल्टा इक्वल टू, यही आपका डिटरमिनेंट हो गया। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, R1 को हम चेंज करने जा रहे हैं, R1 को चेंज करने जा रहे हैं माइनस वन आर वन, मतलब आर वन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आर टू में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और आर थ्री में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो R1 को चेंज करने जा रहे हैं माइनस वन आर वन, आर टू को चेंज करने जा रहे हैं माइनस वन आर टू, और आर थ्री को चेंज करने जा रहे हैं माइनस वन आर थ्री। तो डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट है वो क्या हो गया, जीरो। यहां पे माइनस सी माइनस बी, सी जीरो माइनस ए बी ए जीरो, क्या हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप किसको चेंज किए हो, R1 को, और मल्टीप्लाई किस में किए हैं, R1 में। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जिस रो या जिस कॉलम को आप चेंज करते हैं उसमें किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस वन माइनस वन माइनस वन से आप मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस वन का पावर होल क्यू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 1 अपॉन माइनस 1 का पावर होल क्यू करेंगे तब माइनस आ जाएगा। यानी कि फाइनल डिटरमिनेंट के पहले मेरा कैसा साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, डेल्टा इक्वल टू माइनस, और फिर ये डिटरमिनेंट हो गया, नहीं जीरो माइनस सी माइनस बी, जी सी जीरो माइनस ए बी ए जीरो। अब हम क्या करते हैं, देखिए एक रूल हम आपको बताए थे और अभी भी इस बात को हम बोले थे इसके पहले वाला क्वेश्चंस में कि डिटरमिनेंट के रोज को कोरस्पोंडिंग कॉलम में आप कन्वर्ट करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। किसी भी डिटरमिनेंट के रोज को कोरस्पोंडिंग कॉलम में चेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोज को कोरस्पोंडिंग कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो एक लाइन लिख लीजिएगा कि चेंजिंग रोज इनटू कोरस्पोंडिंग कॉलम्स, चेंजिंग रोज इनटू कोरस्पोंडिंग कॉलम्स क्या हो जाएगा, पहला रो जो है अब कहां लिखाएगा, पहला कॉलम में, तो जीरो माइनस सी माइनस बी, जीरो सॉरी सी जीरो माइनस ए बी ए जीरो। अब कुछ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, तो थोड़ा दिख रहा है, ये जो डिटरमिनेंट है, ये जो डिटरमिनेंट है ठीक है, और ये जो डिटरमिनेंट है देखिए तो दोनों सेम है क्या, ये जो डिटरमिनेंट है और ये जो डिटरमिनेंट है दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा का जो वैल्यू आ गया किसके बराबर, माइनस डेल्टा के बराबर। डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, माइनस डेल्टा के बराबर। तो हम यहां पे लिखेंगे, इधर कंप्लीट कर लिए ना, हम यहां पे लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा। अब डेल्टा को लेफ्ट साइड लेकर के जाएंगे तो टू डेल्टा, दिस इंप्लाइज टू डेल्टा इक्वल टू हो गया जीरो, तो देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और इसी को तो हम डेल्टा माने थे, हम तो हर क्वेश्चन में ही डेल्टा मान लेते हैं, नहीं इसी डिटरमिनेंट को डेल्टा माने थे और इसका वैल्यू जीरो लाना था, तो डेल्टा का वैल्यू जीरो आ गया, तो यही आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यही आपका ऐसो प्रूव्ड हो गया। एक लास्ट क्वेश्चंस, तो इसमें देखिए हम कर क्या रहे हैं, बिना एक्सपैंड किए, मतलब किसी भी रो या कॉलम के अलोंग बिना एक्सपैंड किए वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, मतलब प्रूफ कर देते हैं, जीरो ले आते हैं। और ये चीज हम पहले भी बताया कि विदाउट एक्सपेंडिंग वाला में ना 99% में ना जीरो ही रहता है लाना, ठीक है, क्योंकि उसमें बस एक ही चीज है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दीजिए, या किसी एक रो या एक कॉलम में हर एक एलिमेंट जीरो जीरो कर दीजिए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56 लिखिए, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सभी लोगों का हो गया, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 इधर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है।
तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का सारा क्वेश्चन हम फिर करवा दिए। हाँ, सिस्टमेटिक नहीं हुआ, आगे पीछे कर करके हुआ, लेकिन हुआ। वो जैसे जैसे हम थ्योरी बताते जा रहे हैं वैसे वैसे हम कराते चले गए। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीरो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये जीरो नहीं लिखा हुआ। अब देखिए, अब हम क्यों उसको हाईलाइट कर रहे हैं, जब हम बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन फिर आईएससी में पूछा हुआ है जी, ठीक है, 2010 में आपका ये क्वेश्चंस पूछा था। अब देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को डेल्टा मान लिए, ठीक है, इस डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा मान लिए। नोट कीजिए जल्दी से, यहां तक यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, R1 में आप A कॉमन निकालिए, R2 में B कॉमन निकालिए, R3 में C कॉमन निकाल लीजिए। यहां पे R1 में A कॉमन निकालेंगे, R2 में B कॉमन निकालेंगे और R3 में C कॉमन निकालेंगे। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम C1 में कॉमन नहीं निकाल सकते। अरे निकाल लो ना, आप पहले C1 में A निकाल लीजिए, C2 में B निकाल लीजिए, C3 में C निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं बार बार, जितना ज्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा ना दिमाग उतना ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। आपको लग रहा है कि C1 से निकालना है, A C2 से B, C3 से C, निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग में आया ना तो हम तो बोलते हैं कि करके देख लीजिए, करके देखिएगा तभी तो पता चलेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वही काम कीजिए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में A कॉमन निकाल रहे हैं, R2 में B और R3 में C कॉमन निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे टेकिंग A कॉमा B एंड C कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो पहले लिखा हुआ है यहां पर जो पहले होगा उसके लिए होगा। जैसे A है पहले तो यहां पर पहले R1 है, तो A R1 से A निकाल रहे हैं, R2 से B और R3 से C, रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है। अब डेल्टा जो मेरा डिटरमिनेंट है इससे आप ए निकाले तो यहां पर क्या हो गया, और इससे बी इससे सी, तो एबीसी बाहर लिख दिए, एबीसी बाहर निकल दिए। अब डिटरमिनेंट मेरा क्या हो गया, माइनस ए बी सी, यहां से बी निकाले ए, यहां से माइनस बी, यहां से सी निकाल दिए, तो ए बी माइनस सी। अब देखिए फिर क्या हुआ, C1 में A निकालेंगे, C2 में B निकालेंगे और C3 में C निकालेंगे, तो यही चीज तो हो रहा था। आप पहले C1 C2 C3 से निकालते तो फिर दोबारा R1 R2 R3 से निकालना होता, ठीक है। तो अब फिर हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 से A B C कॉमन निकालेंगे, तो यहां पे एक लाइन लिख लेंगे कि टेकिंग A कॉमा B एंड C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली, लिख लीजिए टेकिंग A कॉमा B एंड C कॉमन फ्रॉम C1 कॉमा C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो आपका एबीसी था, एबीसी फिर बाहर निकाले, तब यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट जो मेरा हुआ माइनस वन वन और वन, यहां पे क्या गया वन माइनस वन वन, यहां पे वन वन माइनस वन। अब दो जीरो तो लाना आसान है ना, अब इसमें फिर वही बात, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हम R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2 और R2 को चेंज कर देते हैं R2 प्लस R3, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम C1 को चेंज कर देते हैं C1 प्लस C2 और C2 को चेंज कर देंगे C2 प्लस C3, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसको भी कीजिएगा तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो और यहाँ पे टू हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये दोनों को कीजिएगा तो टू और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो। R1 में भी कीजिएगा तो ये जीरो प्लस माइनस और यहाँ पे टू, यहाँ पे क्या जाएगा टू जीरो जीरो। तो जैसे आपको दिल करता वैसे कर दीजिए। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि C1 को चेंज करने जा रहे हैं C1 प्लस C2, ठीक है,
और C2 को चेंज करेंगे C2 प्लस C3, C2 को चेंज करेंगे C2 प्लस C3, आपको R1 को चेंज करना R1 प्लस R2 कर दीजिए और R3, R2 को कर दीजिए R2 प्लस R3। तो डिटरमिनेंट जो मेरा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिटरमिनेंट मेरा क्या हो गया, अब देखिए C1 को चेंज किए तो यहां पे क्या आ गया जीरो, यहां पे क्या आ गया जीरो, और यहां पे क्या आ गया वन प्लस वन टू, अब देखिए फिर यहां पे वन प्लस वन क्या आ गया टू, यहां पे क्या आ गया जीरो, और यहां पे फिर क्या आ गया वन माइनस वन जीरो, और C3 जैसे है वन वन माइनस वन छोड़ दिया। अब किसी भी रो या कॉलम के लोग एक्सपेंड करें तो इधर भी दो जीरो है, इधर भी दो जीरो है, समझ में आ रहा है, तो हम C1 के लोग एक्सपेंड कर देते हैं। अब C1 के लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है टू, तो यहाँ यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे टू है, टू जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए तो टू माइनस जीरो, दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस माइनस साइन के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया टू माइनस जीरो, तो फाइनली देखिए तो टू इंटू टू क्या हो गया फोर, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि फोर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्रूव हो गया। अब बोलिए कि हम ऐसा क्यों बोल रहे थे, अब देखिए हम यहाँ पे क्या किए, क्या किए एक्सपेंड कर दिए, क्वेश्चन में क्या था विदाउट एक्सपेंड, अब बुक में तो लिख दिया है लेकिन बिना एक्सपेंड किए क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, समझ में आ रहा, ये तो हम गलत कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम तो यहाँ पे क्या बोले कि C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग, अब कीजिए कहां से कीजिएगा, समझ में आ रहा बात, इसीलिए जीरो वाला ही मैक्सिमम विदाउट एक्सपेंडिंग का होता है, लिखने का लिख दिया लेकिन बिना एक्सपेंड किए लास्ट स्टेज में होगा ही नहीं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, समझ में आ रहा है बात, इसीलिए हम आपको हाईलाइट किए थे कि वहां पे देखिए जीरो नहीं है, फोर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है तो बिना एक्सपेंड किए होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन अगर इस तरह से एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है एग्जाम में आया हुआ भी है तो वहां पर आपको एक्सपेंड ही करके निकालना है, ऐसा नहीं कि आप एक स्टेप लास्ट में एक्सपेंड कर देंगे तो जीरो दे देगा, नहीं। सबको यहां तक क्लियर है, बोलिए चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अब कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चंस देखेंगे, ये तो एनसीईआरटी का था सारा इधर खत्म कर दें, ठीक है, और ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस होता है, एक बार तो पर भी आप बना लीजिएगा, बोर्ड का एग्जाम जो होता है स्टेट बोर्ड का यही सब क्वेश्चंस पूछता है, और वो कब कब पूछा हम मैक्सिमम बता भी दिए, ठीक है। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।